अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप खुशबाश होंगे अपने घरों में। और मैं बिल्कुल ठीक ही। यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बेड। मैंने, अगर आप मेरे पिछले व्लॉग देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि मैंने नया बेड लिया है, बल्कि मैं लेने गई थी लाहौर और वहाँ से लेके ऑर्डर पे बनवा के आई हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको आज ये दिखाऊँ और कुछ आइडियाज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके साथ मैंने मज़ीद और क्या किया था। ये बेड जो है मैंने ऑर्डर पे तैयार करवाया था वाइट कलर में, क्योंकि यहाँ पे इस रूम में मेरे पास वाइट कलर की अलमारी पड़ी हुई थी मेरे पास, और बल्कि ये भी मैंने खुद ही कस्टमाइज़ करवाई है। और यहाँ पे मशीन है कपड़े सिलाई करने वाली, इसके ऊपर मैंने ये कवर मंगवाया हुआ है ऑनलाइन। यहाँ पे इसके ऊपर देखिए, मैं इस तरह से कवर कर देती हूँ तो कमरे के साथ मैच भी हो जाती है और मशीन जो है वो बुरी भी नहीं लगती यहाँ पे पड़ी हुई। बहरहाल मैंने यहाँ पे इसी कमरे को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बेड जो है वो रेडी करवाया था, क्योंकि अलमारी जो है वो मेरे पास वाइट कलर की थी और इसके अलावा जो है इस्त्री स्टैंड वो भी मैंने वाइट कलर में ही बनवाया था। वो भी मैं आपको अपने पिछले जो है एपिसोड्स उनमें दिखा चुकी हूँ पूरा उसका जो व्यू था कि किस तरह मैंने इसको रेडी करवाया। और यहाँ पे बेड जो है वो मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि इसके अंदर ब्रास का काम है, सिल्वर ब्रास का काम हुआ हुआ है और वाइट कलर की वेलवेट लगी हुई है। और यहाँ पे जो पर्दे हैं ये भी मैंने चेंज करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो नीचे शीट लगी हुई है ये मैंने खुद ही ऑनलाइन परचेज करके लगाई हुई है खुद से ही। ये लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल स्टिकर की तरह इसके पीछे से इस पेपर वो जो है निकाल देते हैं और गम की मदद से ये दीवार के साथ चिपक जाती है। नीचे से यहाँ पे दीवारों के साथ सेजल थी इसलिए यहाँ पे मैंने ये नीचे लगाई हुई है फुल बॉर्डर की तरह। ये ब्रिक्स डिज़ाइन बहुत ही आम है और बहुत ही इजीली ऑनलाइन हर जगह से मिल जाता है। ओवरऑल ये आप देख सकते हैं ये लुक है बेड की, और ये इस अलमारी के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। और ये इस्त्री स्टैंड है जो मैंने आपको पिछली एपिसोड में दिखाया है मुकम्मल, के ये मैंने किस तरह से रेडी करवाया था। इसके जो सारे कैबिनेट है वो किस लिहाज से मैंने खुद ही तैयार करवाए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक स्टैंड लगाया हुआ है, ये भी ऑनलाइन स्टैंड मंगवा के लगवाया था, और इसके ऊपर इस्त्री आ जाती है, बड़े अच्छे से सेट हो जाती है, इस्त्री स्टैंड पे नहीं रखनी पड़ती। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो वाटर शावर होता है वो रखा हुआ है, और ये एक फूल का गुलदस्ता जो होता है वो रख दिया है ताकि थोड़ी सी स्पेस बचती तो मैंने कहा ये रख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टैंड लगाया है जिसके ऊपर कुरान मजीद वगैरह और पारे बच्चों के सारे वो रखे होते हैं। यहाँ पे जो ये जो आयरन आपको नज़र आ रहा है स्टीम आयरन है, और ओवरऑल यहाँ पे ये सर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो मैंने कवर है ये खुद स्टिच किया हुआ है, इसको स्टिच करने का मुकम्मल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप मेरे पिछले व्लॉग में जाके चेक कर सकते हैं कि आपने इस स्टैंड के ऊपर अगर कवर चढ़ाना है तो वो किस तरह से आप सिलाई करके चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इलास्टिक जो है वो चारों साइडों पे अटैच किया हुआ है, बड़ा ही ईजी तरीके से ये सिल जाता है और चढ़ जाता है इसके ऊपर, इस स्टैंड के ऊपर। और यहाँ पे मैंने एक मसल्ला जो है ये आपको यहाँ पे, ये बच्चा ही रहता है जोहर के बाद, फजर को उठा देते हैं सफाई करने के बाद, जोहर के बाद बिछा देते हैं और यहाँ पे नमाज वगैरह बच्चों ने या खुद पढ़नी हो तो इजीली पढ़ लेते हैं। इसको दिखाने का मकसद ये था कि ये भी मैंने इसके नीचे फोम जो है वो अटैच किया हुआ है, और इसका भी मुकम्मल वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, अपनी वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा आइडिया। ये फ्रेम जो है वो मैंने खुद रेडी करवाए हैं, जो कारपेंटर होता है शायद उसको ये कहते हैं, उसके उससे ये 1500 के दोनों जो हैं 700-700 के रेडी हो चुके थे, और ये बड़े मुझे सस्ते पड़ गए थे क्योंकि मैंने चाहा था कि मैं जो अपने साइड टेबल है उनके ऊपर शीशे जो है वो लगवाऊं, और इसलिए मैंने ये स्टैंड जो है खुद से बनवाए हैं। अब वहाँ पे जब मैं बेड रेडी करवाने गई थी तो मैंने वहाँ से पता किया था तो वो बहुत एक्सपेंसिव मुझे पड़ रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं खुद ही कुछ करूँगी, अगर मे बी कुछ थोड़े उससे सस्ते पड़ जाएँ, तो वाकई ही मुझे बड़े सस्ते पड़े उससे। तो ये 700-700 के रेडी हो चुके थे। ये 450 का ये मेरे पास जो पेंट आप देख रहे हैं ये स्प्रे पेंट है वाइट कलर में, और स्प्रे पेंट का फ़ायदा ये होता है कि बड़े अच्छे से मतलब ये हो जाता है उसके ऊपर जिस चीज़ पर भी आप करते हैं ब्रश की मदद से अगर करें तो थोड़ा सा वो आपको नीटनेस में थोड़ा मसला आएगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो फिर आपको थोड़ा उसको
नीट करने में थोड़ा मसला आएगा, तो इसलिए ये स्प्रे पेंट जो है वो बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आप खुद से कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक गलती की थी कि मुझे इसके ऊपर डिस्टेम्पर पहले करना चाहिए था, मतलब वाटर जो पेंट होता है, वाटर चूना जिसे कहते हैं हम लोग, वो एक दफ़ा कर लेते या डिस्टेम्पर, तो उसके बाद मैं पेंट करती तो बहुत मतलब कम पेंट लगना था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो है वो मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने डायरेक्ट ही इसके ऊपर जो स्प्रे है वो कर दिया, तो इससे मुझे ये हुआ कि मैंने दो स्प्रे किए तब जाके ये मेरा इसका जो लकड़ी का कलर है वो छुपा था और तब ये पेंट जो है वो अच्छे से मतलब इसके ऊपर हुआ था। तो अगर आपने करना है तो आप इसके ऊपर पहले वो वाटर कलर जो होता है वो आप कर लें, डिस्टेम्पर या चूना जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो इसके ऊपर आप एक दफ़ा उसका कोट कर लें और उसके बाद स्प्रे करेंगे तो बड़े ही मतलब एक ही स्प्रे में ये काम जो है आपका हो जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सा खर्चा मुझे ज़्यादा पड़ गया कि 450 का मुझे और लाना पड़ा। तो एक कोट जो है वो मैंने इसके ऊपर दोनों के ऊपर एक एक दफ़ा कर लिया, और ये मैंने ऊपर वाली साइड पे ही किया था, नीचे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दीवार के साथ अटैच हो जाना था, इसलिए मैंने ऊपर वाली साइड पे ही एक स्प्रे जो कर लिया था। तो दोनों को मैंने एक दफ़ा ये स्प्रे कर लिया और एक जो ये टिन है इससे एक एक कोट हो चुका था दोनों पर। तो उसके बाद मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया धूप में एक दिन के लिए, और फिर नेक्स्ट डे मैंने दूसरा पेंट जो है वो मंगवा के, मतलब वाइट ही स्प्रे था लेकिन दूसरी जो इसका टिन है वो मंगवा के फिर मैंने डबल कोट कर लिया था। तो बड़ा ही इजी ये हो जाता है, इसमें कोई टेक्निक वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपली आपने स्प्रे जिस तरह किसी भी चीज़ को स्प्रे करना है इसी तरह से आप स्प्रे करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये देखें ये दोनों को मैंने एक एक कोट जो है वो कर लिया है, अब मैं इसको रखती हूँ और फिर नेक्स्ट डे फिर दोबारा से इसको डबल कोट करूँगी। हल्का सा मेरा हाथ जो है वो गंदा हो चुका है, बहरहाल कोई मसला नहीं, ये उतर जाता है धोने से। तो इसको सूखने के लिए रख देते हैं और यहाँ पे आ चुका है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे देखें ये बिल्कुल सूख चुका है और इसके ऊपर मैं अब दूसरा कोट जो है स्प्रे का वो करूँगी। एक और मैंने मंगवा लिया था और एक एक दफ़ा मैं दोनों जो फ्रेम है इनके ऊपर कर दूंगी। तो इस तरह से बड़े ही इजीली मेरे दोनों फ्रेम जो है वो रेडी हो चुके थे। इसके अंदर सुराख भी मैंने बनवाए हैं ताकि ड्रिल की मदद से इसको दीवार के साथ अटैच किया जाए, और इसके बाद मैं इसके ऊपर ब्रास लगाऊंगी, वो भी मैंने ऑनलाइन मंगाया, वो भी मैं आपके साथ चल के आगे शेयर करती हूँ और वो किस तरह से मैंने लगाया मुकम्मल तरीका आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रास है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग इस लिहाज से की है कि जिस लिहाज से ये फ्रेम की चौड़ाई और लंबाई है, लंबाई के पीसीज और चौड़ाई के पीसीज जो है उनकी पैमाइश करके उनको काट लिया है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की मदद से इनको कट कर रही हूँ, और कट करने के बाद हम इसको फ्रेम को दीवार के साथ अटैच करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रास लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर फ्रेम के अंदर सुराख हैं जो कि अटैच होंगे दीवार के साथ ड्रिल की मदद से, तो कील वगैरह लगेंगे, तो अगर हम पहले ब्रास लगा दें तो फिर वो जो सुराख है वो छुप जाएंगे और ये दीवार के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे फ्रेम जो है ना। तो इसलिए कटिंग तो हमने कर ली थी लेकिन इस ये ब्रास जो है वो बाद में लगाया था, पहले फ्रेम्स को दीवार के साथ अटैच कर दिया था। तो ड्रिल की मदद से हमने इनको लगाया है, वो भी आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो ये कटिंग जो है वो हमने कर ली है चौड़ाई की भी और लंबाई की भी दोनों तरफ से, बड़े ही इजीली ये कट जाता है। एक कटर की मदद से आप इसको निशान लगा के थोड़ा सा मोड़ेंगे तो ये इजीली कट जाएगा। यहाँ पे ये देखें अब मैं इनको ले आई हूँ अपने साइड टेबल के ऊपर और इस तरह से हम साइड टेबल के साथ इसको अटैच करेंगे। अभी मैंने साइड टेबल के ऊपर ही रखा हुआ है, ड्रिल की मदद से सुराख निकालेंगे, चार सुराख निकालेंगे दो इस साइड पे दो साइड पे, पहले इसके ऊपर निशान बने हुए हैं कील के और उसके हम लगा उसको हम दीवार के साथ ये देखें ये लगा दिए हमने दोनों साइडों पे ड्रिल की मदद से। बहुत वीडियो मैंने स्किप कर दिया, मतलब सिंपली जैसे कोई आप किसी से भी अपने हस्बैंड से भाई से या किसी से भी आप लगवा सकते हैं दीवार के साथ ड्रिल की मदद से, जो ड्रिल चला सकते हैं इसलिए आप खुद भी चला सकते हैं, ये इतना कोई टेक्निक वाली बात नहीं है, लेकिन मर्द हजरात ज़रा अच्छे से चला लेते हैं जोर वगैरह लगा के। और यहाँ पे अटैच करने के बाद मैं ब्रास जो है इसके ऊपर पेस्ट करवा रही थी, वीडियो में बना रही थी
और ये हमारा हेल्पर है, इसको हमने बोला कि आपने इस तरह से सिंपली आपने एल्फी लगानी है उस ब्रास के नीचे, और साथ साथ आपने इसके ऊपर अटैच करते जाना है। इसके ऊपर अभी ब्रास के ऊपर पेपर लगा हुआ है, बिल्कुल ये शीशे की तरह होगी, जिस तरह से बेड के अंदर ब्रास अटैच है इसी तरह से ये ब्रास है। ये आपको धुंधली इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि अभी इसके ऊपर हल्का सा पेपर है, वो हम बाद में रिमूव करेंगे। नीचे आपको कील नज़र आ रहा होगा, इस कील की मदद से हमने इसको दीवार के साथ अटैच किया। तो ये सिंपली थोड़ी थोड़ी एल्फी लगाते जाएंगे और इसको साथ चिपकाते जाएंगे और बड़े ईजिली ये चिपक जाएगी। तो देखेंगे चारों तरफ से चिपक चुकी है, और इस जब ये लगी तो उसके बाद ये बिल्कुल बेड के साथ का पेयर लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आपने खुद से तैयार किया इसको अलहदा से, इसी तरह लग रहा था कि ये पूरा बेड सेट है। तो यहाँ से ये देखें, ये पेपर जो है ये हम रिमूव करेंगे, ये वाला ये चेक करें, लेकिन अभी मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल एंड पे जब पूरा रूम रेडी हो जाएगा तो फिर मैं इसको रिमूव करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन पर्दे मंगवाए हैं, वो मैंने चेंज करने थे, बेडशीट भी चेंज करनी है, वो भी आपको आगे चल के दिखाऊँगी। तो पर्दे जो मैंने हैं वो 5,000 के मंगवाए थे ऑनलाइन, और ये पेयर है 3 पर्दों का, 2 लाइनिंग वाले और एक फ्लावर प्रिंट का पर्दा है, प्लेन है, उसके ऊपर फ्लावर हैं थोड़े से। तो जब मैंने खोला तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये बहुत अच्छा फैब्रिक था, बहुत ही शाइनिंग वाला फैब्रिक था। तो पहले जो पर्दे लगे हुए हैं वो ये हैं मेरे, और मैंने अब इनको चेंज करके ये लगाने हैं। तो बहुत अच्छा मतलब मुझे लगा इनका कपड़ा भी, और ये दोनों डिज़ाइन मैंने पसंद करके लिए थे। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि आप चीज़ को देखते हैं तो वो जैसा आपने सोचा होता है वैसी नहीं निकलती, तो ये बिल्कुल उससे भी ज़्यादा अच्छी थी जितने मैंने सोचा था। इसका कपड़ा बहुत ही आउट क्लास था और बहुत ही शाइनिंग वाला था। तो चूँकि ये पार्सल में आया था तो काफ़ी सिलवटें पड़ गई थी इसके ऊपर, तो मैंने सोचा कि इनको प्रेस करके तो फिर ही लगाएंगे। तो इनको प्रेस कर लेती हूँ, प्रेस करने से मुझे मज़ीद खुशी मिली क्योंकि प्रेस करने के बाद ये मज़ीद शाइन कर रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फैब्रिक था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनको बाय करके फ़िलहाल। तो आगे चल के इनके साथ भी एक मसला हो चुका था, वो भी आपको दिखाती हूँ बताती हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। आई होप कि आप व्लॉग जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो बहरहाल इसको मैंने कर लिया है प्रेस, और दूसरा जो है वाइप वाला उसको भी प्रेस कर लेंगे और फिर हम इसको लगाएंगे। तो बस जी ये हो चुका है प्रेस, इसी तरह से हम जो वाइट है उसको भी प्रेस कर लेते हैं। और वाइट का कपड़ा भी बड़ा ही ज़बरदस्त था, कपड़े में मतलब दोनों में चेंजिंग था कि सेम स्टफ नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास स्टफ था और बहुत ही चेंज सा डिज़ाइन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहरहाल ये हो चुका है प्रेस, और अब हम इसको लगाते हैं। पहले वाले पर्दे जो है वो निकाल लेते हैं और अब इनको लगा देते हैं। ये पर्दे लगा उतारते वक्त मेरा हाथ जो है वो कट चुका था, इस पाइप से लग के थोड़ा सा कट आ चुका था उंगली पे, और फिर मैंने सनी प्लस लगाया और मतलब थोड़ा सा खून बहा। बहरहाल इस तरह के कामों में इस तरह से होता रहता है, थोड़ा बहुत मतलब कोई भी घर का काम करती हूँ आप, थोड़ा बहुत कट जो है वो लग ही जाता है। इतना ले जी ये लग चुके हैं पर्दे, और यहाँ पे फूल जो है वो दोबारा से मैंने अटैच कर दिया। पाइप थोड़ा आगे से खुला हुआ था, यहाँ पे मतलब होता है एक लगा हुआ स्टैंड, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। ये देखिए कट मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे काफ़ी मेरी जो उंगली है वहाँ से खून निकल रहा था, तो मैंने इसके ऊपर सनी प्लस लगाया क्योंकि पर्दों को फिर वो लग रहा था, तो उससे पर्दे जो है वो गंदे हो सकते थे। तो ये देखें जी ओवरऑल लुक आपको दिखा रही हूँ। जब मैंने इनको देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, जो ही मैं इनको देखते देखते नीचे गई तो मैं एकदम शॉक रह गई, क्योंकि ये पर्दे जो हैं वो साइडों पे दो जो थे वो छोटे थे और दरमियान वाला लंबा था। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि फैशन है या फ्रॉड है, क्योंकि आपको भी मैं दिखाती हूँ, ये देखें दोनों साइडों के जो है वो छोटे थे और जो दरमियान वाला था वो लंबा था। मे भी ये पेयर हो और इसी तरह का ये डिज़ाइन हो, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये डिज़ाइन ठीक है या नहीं। मुझे एक दफ़ा देखने में अजीब ही लग रहा था, और मैं खुद को कह रही थी कि नहीं ये ठीक है, इसी तरह से ये होगा, ये फैशन होगा। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी देखने वाला बोलेगा कि साइडों के छोटे दरमियान वाला बड़ा क्यों है। तो मैंने इनको
काफ़ी सोचा कि इनको इसी तरह रहने दूं कि इनके साथ कुछ चेंजिंग करूं, तो इस तरह नहीं मैंने इनको छोड़ा। इनके साथ कुछ चेंजेस की थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में। तो आपने मेरे साथ रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत से आइडियाज़ आपके साथ आगे चल के शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में छोटे मोटे कामों में आपकी हेल्प करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।